मैं गुंजन नंदा, महिला अध्यक्ष जो है रीता बहुगुड़ा जी स्मृति से समिति से बोल रही हूँ। किस तरीके का रुद्राभिषेक आज कर रही हैं? आज जो रुद्राभिषेक है उनके स्वास्थ्य कामना के लिए किया जा रहा है, चूँकि वो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, तो उनको स्वस्थ रखने के लिए भगवान से, भगवान महादेव से ये कामना की जा रही है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और अपने घर, अपने काम काज को अच्छे से संभालें। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव सोमेश्वराय, शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः। देखिए, हम लोग की नेता डॉक्टर श्रीमती रीता बहुगुड़ा जोशी जी की तबीयत खराब है और यहाँ से लखनऊ से चली गई मेदांता इलाज कराने के लिए, सीरियस कंडीशन में है, उन्हीं के लिए रुद्राभिषेक कराया जा रहा है ताकि भगवान की कृपा मिले और वो जल्दी स्वस्थ होकर घर आए। अभी क्या स्थिति है उनकी? अभी पहले से सुधार है, पहले से उनकी सुधार है, हमें लगता है 4-5 दिन में लौट आना चाहिए घर। रुद्राभिषेक किस मंत्र हो रहा है, कितने पंडित हैं? 5 पंडित कर रहे हैं रुद्राभिषेक जो है, और आज ही होना है। मैं रुकेश पांडे, श्री काशी विश्वनाथ शास्त्री हूँ और रुद्राभिषेक रीता बहुगुणा जोशी जी के लिए पूजा पाठ चल रहा है। क्या मान्यता है रुद्राभिषेक या महामृत्युंजय का मंत्र? महामृत्युंजय जो मृत्यु के मुंह से बाहर आ जाए उसके लिए महामृत्युंजय का प्रयोग किया जाता है और रुद्राभिषेक में भी स्वास्थ्य के लिए किया जा रहा है, स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया होता है। हाँ, कुशोदक अभिषेक से स्वास्थ्य में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। कितने लोग कर रहे हैं, कौन करवा रहे हैं? आचार्य राकेश के जी के आचरित्व में हमें सभी ब्राह्मण पूजा पाठ कर रहे हैं यहाँ पे और 3 ब्राह्मणों द्वारा पूजा पाठ चल रहा है। किनका हो रहा है? ये रीता बहुगुणा जोशी जी के लिए चल रहा है पूजा पाठ। क्या मंत्र है? और ये बहुत लंबा पाठ है, इसमें एक मंत्र नहीं है, कई मंत्र है। जैसे वेद का मंत्र है, ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च, और कुछ मंत्रों का प्रयोग मौन रह के किया जाता है।